हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट ए ऑफ़ द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स ओके सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे सो गाइस हियर यू हैव टू मैच द लिस्ट लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड हेयर आर योर ए बी सी डी ऑप्शंस ऑलराइट तो अगर पढ़ा हुआ है तो इजीली इसको कर सकते हो ऐसी कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है जी अब लक्ष्मी स्वामीनाथन आपको गिवन है मैडम कामा गिवन है अरुणा आसिफ अली गिवन है बीना दास गिवन है ठीक है सो so, लक्ष्मी स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले द नेम इज वेरी मच पॉपुलर ठीक है पिछले कुछ समय में कुछ टीवी सीरीज और वेब सीरीज वगैरह भी बने हैं तब भी काफी फेमस हुआ ये नाम तो लक्ष्मी स्वामीनाथन इज द वन हुड द आईएनए वुमेन ब्रिगेड ठीक है तो वन का थ्री हो जाएगा अब वन का थ्री है तो वन का थ्री बेटा सिर्फ सी और डी में है मतलब कि ए और बी तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए हैं ठीक है उसके बाद मैडम कामा मैडम कामा वाज़ द वन जिन्होंने पहली बार फॉरेन सॉइल के ऊपर नेशनल फ्लैग को अनफोल्ड किया बिल्कुल सही तो सेकंड का फोर्थ है अब सेकंड का फोर्थ सी में तो नहीं है आंसर मेरा डी हो जाएगा तो बेसिकली अगर मेरे को सिर्फ दो भी आते थे तब भी मेरा इजीली आंसर हो जाता सिमिलरली अरुणा आसफ अली अरुणा आसफ अली अगर मेरे को पता है कि इन्होंने जो फ्लैग होस्ट किया था टैंक मैदान में 1942 में ओके तो 3 का वन है अब अगर आप ध्यान से देखो अगर आपको सिर्फ एक ये अरुणा आसफ अली वाला पता है तो भी आपका आंसर बड़े आराम से हो जाता क्योंकि अगर आपको ये पता है अरुणा आसफ अली तो आप कहोगे कि थ्री में वन आना चाहिए तो थ्री में वन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है तो उस सेंस में ए बी सी और एलिमिनेट हो जाते फिर आपको बाकी के तीन ना भी पता होते तब भी काम चल जाता आपका ठीक है तब भी काम चल जाता सिमिलरली मैडम कामा वाला भी अगर आपको सिर्फ पता था कि फोर है तब भी आप देख रहे हो कि फोर टू का फोर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है D में. बाकी के तीन आप बीना दास का देखोगे बीना दास में भी आप सी और डी में अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि दो ऑप्शन में टू है तो अरुणाफ अली या मैडम कामा के बारे में पता था फिर तो आपका एक ही ऑप्शन से क्लियर हो जाना था तो एलिमिनेशन से अच्छे से क्वेश्चन हो जाते हैं अब जरा एक बार इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इन के बारे में क्योंकि इनमें से सवाल पूछे जाने के काफी हाई चांसेस हैं लक्ष्मी स्वामीनाथन जो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की रेजिमेंट थी उसमें उन्होंने एक वुमेन्स रेजिमेंट भी बनाया 1943 में जिसको रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया और इस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को कमांड कौन कर रहे थे कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन लक्ष्मी स्वामीनाथन से उनका सरनेम जो है वो सैगल चेंज हो गया था मैरिज के बाद अक्टूबर 21, 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविंशियल सरकार भी बनाई थी प्रोविजनल सरकार भी बनाई थी फ्री इंडिया की सिंगापुर के अंदर और इस आ... प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जो की पोर्टफोलियोस थे जैसे कि फाइनेंस वो एच सी चैटर्जी को दिया गया था एम ए आई को ब्रॉडकास्टिंग दिया गया था वहां पर भी लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है उनको वुमेन्स डिपार्टमेंट मिला था जैसे आजकल आपका मिनिस्ट्री होता है ना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वैसे पहले उस टाइम पर वुमेन डिपार्टमेंट बनाया तो उसको भी लक्ष्मी स्वामीनाथन लीड कर रहे थे अब ये भी क्वेश्चन में डेफिनेटली वो पूछ सकता है उसके बाद मैडम भिकाजी कामा के ऊपर आ जाओ सो so, मैडम कामा 24 सितंबर 1861 को जन्म हुआ एक रिच पारसी फैमिली के अंदर फादर थे सोराब जी फ्रेम जी पटेल काफी फेमस एक मर्चेंट थे और इनकी माता जी जीजाबाई वो भी एक एफ्लुएंट फैमिली से थे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इन्होंने लर्न की और प्रोफिशेंट भी थे उन लैंग्वेजेस के अंदर और अपने देश के लिए डिफरेंट सर्कल्स में डिफरेंट लोगों के सामने अपने देश की जो साइड है वो ये रखते थे हिंदुस्तान की पैरवी करते थे 1896 के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर एक फेमाइन आया था ठीक है और उस फेमाइन के बाद एक महामारी भी फैल गई थी प्लेग फैल गया था और मैडम कामा वॉल्ट्री एक एज अ वॉलेंटियर काम कर रही थी प्लेग विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए और इसका एक इम्पैक्ट क्या हुआ कि उनको खुद को ये डिजीज हो गया ठीक है प्लेग हो गया किसी तरह मेरिक्ले वो बच गई लेकिन काफी एडवर्स इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर हुआ और 1902 में उनको लंदन भेजा गया रेस्ट के लिए और अपने इलाज के लिए मैडम कामा ने इसके बाद ज़्यादातर जो समय है वो अब्रॉड फॉरेन कंट्री के अंदर ही स्पेंड किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी इंडिया के अंदर एंट्री बैन कर दी थी और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी इंडिया में उसको भी सीज कर लिया था बट मैडम कामा को ये चीज़ें रोकनी पाई इन्होंने अपना पॉलिटिकल का जो वर्क है वो जारी रखा इंग्लैंड के अंदर शी यूज टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ दादा भाई नरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ द रेवोल्यूशन का टाइटल भी मिला ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर के अंदर बेटा पूछे जा सकते हैं

अल्टीमेटली पेरिस को इन्होंने अपना घर बना लिया एंड वहाँ पर रेवोल्यूशनरीज को शेल्टर uh, देना भी शुरू कर दिया ये भी कहा जाता है लेनिन जो जिनको फादर कंसीडर किया जाता है रशियन रेवोल्यूशन का लेनिन आल्सो वंस विजिटेड हर एंड एक्सचेंज सम व्यूज मैडम कामा सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं औरतों के अधिकार के लिए भी अपनी लड़ाई जो है वो लड़ती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था कायरों में एक इजिप्ट एज, के अंदर 1910 में वहां पर उन्होंने जो लोग बैठे थे कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सीधा सवाल पूछा वेयर इज द अदर हाफ ऑफ इजिप्ट कि भाई मेरे को तो यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही पुरुष दिख रहे हैं बाकी का आधा इजिप्ट का है महिलाएं कहाँ पर हैं तो वुमेन का नेशन बिल्डिंग के अंदर रोल को काफ़ी ज़्यादा ये एम्फोसाइज करते थे 1907 में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी ये दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस थी जो जर्मनी के अंदर बेसिकली हुई थी और लास्ट डे ऑफ कन्वेंशन में मैडम कामा ने अपनी स्पीच के अंदर बोला कि जितने भी यहाँ पर इंटर डेलीगेट्स हैं मैं उनको डायरेक्टली बोलती हूँ कि वो अपना सपोर्ट दें इंडियन इंडिपेंडेंस को और ये पहली बार हो रहा था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहा था तो पहली बार इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के जाया गया और अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने एक क्लॉथ एक फ्लैग अनफ किया एंड उसको उन्होंने अपने दोनों हाथों से उठा करके इंडिया की आजादी के लिए सपोर्ट मांगा दिस वॉज द फ्लैग विच वॉज अनफोल्ड बाई हर ग्रीन येलो एंड रेड कलर बीच में वंदे मातम लिखा हुआ है ओके okay. और ये पहली बार था कि हिंदुस्तान का कोई झंडा फॉरेन लैंड के ऊपर डिस्प्ले किया गया था इंटरनेशनल डेलीगेट्स को जो आपके क्वेश्चन के अंदर भी स्टेटमेंट था 1931 में जब इनकी उम्र 70 वर्ष की हो गई तो सिवियर मूवमेंट के, बात बात तो के प्लानिंग हो चुकी थी महात्मा गांधी ने लेकिन सरकार ने अगस्त नाइन को क्या किया सुबह सुबह ही सारे जो टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के इंक्लूडिंग महात्मा गांधी उन सबको अरेस्ट कर लिया ठीक है और अलग अलग जगह पर उनको ले गए जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी इन सबको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया सरकार ने इनको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया और सीधा सीधा बोला गया कि पब्लिक मीटिंग के लिए असेंबल होना पब्लिक प्लेसेस के अंदर उसको कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया अब सारे के सारे लीडर जा चुके थे तो कुछ जो यंग जनरेशन के लोग बचे थे कांग्रेस के जो मिलिटेंट uh, एलिमेंट्स भी थे कांग्रेस के उन्होंने अपने हाथ में बागदौड़ संभाली एंड वन ऑफ द मेजर लीडर हु वाज वाज लेफ्ट आउट अरुणा आसिफ अली एंड अल्टीमेटली इन्होंने कांग्रेस सेशन जो अगस्त नाइन को हुआ उसको प्रिसाइड भी किया एंड ऑन नेगस्ट नाइन्थ ठीक है जी ऑल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए फॉलोइंग दल्यूशनरीज वर हैंड इन द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस इनमें से किसको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर फांसी हुई थी ठीक है अब ये पेपर के अंदर आ गया आपने मूवीज भी देखी हैं आपने टेक्स्ट भी पढ़ा है आपने एन भी पढ़ी है आपने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी हो क्या आपने आप बिपिन चंद्र भी पढ़ी हो लेकिन ये चीजें आप इग्नोर कर दे तो लिखी सबके अंदर हुई है कि यार ये कौन पूछेगा अब अल्टीमेटली सवाल आ गया ना कि भाई काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी किस किस को हुई थी छह नाम आपको यहाँ पर गिवन है ठीक है अब छह नाम में से आप ये समझ लो कि अल्टीमेटली थे सारे के सारे इन्वॉल्व काकोरी में बट फांसी किसको ही अब अगर किसी ने थोड़ा सा भी इसको पढ़ा हुआ है तो वो देखो इजीली उसको पता है मूवी आप सबने देखी है इतनी सारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मूवीज बनी है तो अपने को पता है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में ना तो भगत सिंह को फांसी हुई थी फॉर द स्टार्ट ना चंद्रशेखर आजाद को ये हर किसी को पता है जो भी थोड़ा बहुत इंडियन हिस्ट्री को जानता है मैं ही नहीं कहता एक्सपर्ट जो थोड़ा बहुत भी इंडियन हिस्ट्री को जानता है उसको पता है तो सबसे पहले तो अगर मेरे को बाकी नामों का नहीं भी पता कि एग्जैक्टली exactly किसको हुई थी तो मैं जिसके अंदर फोर और सिक्स है उसको तो एलिमिनेट करूं ऑल ऑफ दी अब मेरा आंसर नहीं हो सकता इस ऑप्शन के अंदर भी फोर और सिक्स दोनों है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता इस वाले ऑप्शन के अंदर देखो फोर है भगत सिंह को तो फांसी हुई नहीं कॉकोरी कॉन्स्परे में तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या होगा ठीक है तो देखा जाए पता है क्या होता है कई बार बच्चे ना क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं कि हाई है, मैंने तो मेरे को नहीं याद की किसको का फांसी हुई थी कॉकोरी में बट ऑप्शन को देखो और इजिली एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है इजिली एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर यहां पर बी हो जाएगा बिना किसी टेंशन के ठीक है मेरे को पता ही नहीं मेरे को भी नहीं याद कि किसको फांसी हुई थी किसको नहीं हुई थी लेकिन मेरे को यह पता है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को नहीं हुई थी वहां से मेरा आंसर इजीली बन गया ठीक है तो काकोरी रॉबरी अगस्त 1925 के अंदर हुई थी और एच की सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन के अंदर ये आता है ओके तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया था एच के लोगों ने एट डाउन ट्रेन जो थी काकोरी बेसिकली लखनऊ के पास एक गाँव है उसको रोक करके जो ऑफिशियल कैश है उसको लूट लिया था ठीक है सरकार ने अल्टीमेटली काकोरी रॉबरी में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको क्रैक डाउन किया और अराउंड काफी सारे अरेस्ट किए गए सत्रह को जेल हुई ठीक है चार को उम्र कैद की सजा हुई और चार लोगों को फांसी हुई सत्रह प्लस चार प्लस चार फांसी की किस इसकी -किस कोई रामप्रसाद बिस्मिल अश्वकुल्ला खान रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी इन चार को फांसी हुई बिस्मिल अश्वकुल्ला रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी चलो अभी तो एलिमिनेट हो गया लेकिन अभी याद कर लेना ये चार नाम अगर दोबारा कभी है काकोरी एक तरह से सेटबैक प्रूव प्रूफ हुआ क्योंकि एच के काफी सारे लोग जो है फिर डिसोसिएट हो गए थे अरेस्ट हो गए फांसी की सजा हो गई मेन लीडर जो है उनको लाइफ टाइम के लिए उम्र कैद कर दी गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय दादोबा एंड आत्माराम पांडुरंग अच्छा जी और ये पॉपुलर ज्यादा तब हुई जब एम जी ने इसको ज्वाइन कर लिया ये एम जी के ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन पेपर के अंदर देखा जाता है हर बार राइट आंसर यहां पर क्या है राइट right आंसर है बेटा ऑप्शन सी प्रार्थना समाज तो थोड़ा सा प्रार्थना समाज के बारे में देख लेते हैं 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्मारंग पांडुरंग को हेल्प किया था प्रार्थना समाज की फाउंडेशन के अंदर बॉम्बे के अंदर ठीक है और इससे पहले केशव चंद्र सेन की जो आइडियोलॉजी थी या जो ऑर्गेनाइजेशन थी, थी वो महाराष्ट्र में काफ़ी अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर रही थी ार्थना समाज एक तरह से प्रीकर्सर है परमहंसा सभा का ओके एंड इट वाज लाइक अ सीक्रेट सोसाइटी जो लिबरल आइडियाज को स्प्रेड करती थी कास्ट कम्युनल बैरियर्स को ब्रेक डाउन करने की बातें करती थी एम जी राडे ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 1870 के अंदर एक बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन वन ऑफ द एग्जाम्स दैट इन विच महादेव गोविंद रानाडे और एम जी राडे ज्वाइन द प्रार्थना समाज ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है ठीक है तो अल्टीमेटली उसका आंसर था उसमें ऑप्शंस उन्होंने बहुत क्लोज दिए थे 1869 1870 1871 1872 इस तरीके से क्लोज ऑप्शंस दिए थे ठीक है सो so 1870 वाज द आंसर ओवर देयर ऑलराइट एंड इनके एफर्ट्स ने बेसिकली प्रार्थना समाज को एक ऑल इंडिया करेक्टर जो है वो प्रोवाइड करवाया नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है इनमें से कौन सी किताब जो है वो रॉन्ग मैच है uh, मिचर कतिकम शूद्रक रघुवंशम कालिदास बुद्ध चरिता अशोक हर्षवर्धन तो ठीक है बेटा ये तीनों इन सारे ऑप्शन के अंदर कादंबरी जो है ये गलत है आपका ऑप्शन डी जो है ये रॉन्गली मैच्ड है ठीक है कादंबरी जो किताब है वो बाना भत्ता की किताब है जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी सेवेंथ सेंचुरी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर का ट्रेडिशनल स्टाइल है तो किसी ने अगर थोड़ा सा भी कल्चर पढ़ा है तो उसको इजीली आंसर कर सकता है अभी मैं ये टेम्पल स्टाइल्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा अभी सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ ऑप्शन सी नगरा वेसारा और द्रविडा ठीक है ये आपके टेम्पल स्टाइल्स है कलशा और मंडपा तो देखो टेम्पल के पार्ट्स बेसिकली होते हैं ठीक है सिमिलरली आपका रथ जो है दिस इज डिफरेंट आर्किटेक्चर विमाना भी टेम्पल का एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है ठीक है शिखर भी एक टेम्पल का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है ठीक है जो टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स हैं वो हैं आपके नगर बेसारा एंड द्रविडा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको अगेन मैच द फॉलोइंग करना है बेल्ट ऑफ काम डिफ्लेक्टिंग फोर्स रोरिंग फोर्टीज एंड हेरमेटे अब देखो जोग्राफी के अगर बेसिक कंसेप्ट बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं पेपर के अंदर पिछले जो 2021 में आप पिछले सालों के भी पेपर देखते हो बड़े बेसिक क्वेश्चन है अब रोरिंग फोर्टीज ठीक है बेस्ट ऑफ बेल्ट ऑफ काम डिफ्लेक्टिंग फोर्स ठीक है ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं अब देखो बेल्ट ऑफ काम क्या होते हैं वो आपका डोल होते हैं ठीक है वन का क्या हो गया थ्री हो गया तो देखो अगर आपको सिर्फ बेस्ट बेल्ट ऑफ काम के बारे में पता है ना तब भी आपका आंसर आ जाता है क्योंकि वन का थ्री सिर्फ सी ऑप्शन के अंदर है और किसी के अंदर है ही नहीं ठीक है तो आंसर सी हो जाता सिमिलरली अगर आपको पता होता है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है कोरियोलिस ठीक है डिफ्लेक्टिंग फोर्स कौन सी होती है तो अगेन देखो अगर आपको बाकी के नहीं पता सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स के बारे में पता है तब भी आप देखोगे कि सिर्फ सी ऑप्शन है जिसके अंदर टू का वन गिवन है ठीक है तो बाकी यहां पर भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते और आंसर आपका क्या हो जाता सी हो जाता ठीक है अब रोरिंग फोर्टीज अब अगर आपको पता है कि रोरिंग फोर्टीज है ठीक है रोरिंग फोर्टीज क्या है वेस्ट है थ्री का फोर हो गया अब दोबारा देखो दोबारा देखो थ्री का फोर सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है अब यहाँ पर 2021 में ना इन्होंने ये वाली बड़ी गलती करी थी कई ऑप्शंस के अंदर ना इस तरीके से इन्होंने बेसिकली आ, सेम सेम दिया था ठीक है तो बड़ी इजीली एलिमिनेट हो जाता है वो फिर मेरे हिसाब से है ना तो देखो अब थ्री का फोर ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता अल्टीमेटली ये ठीक है हरमेटम अगर सिर्फ हरमेटम के बारे में पता है कि भाई ये क्या होता है इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं तब भी आपका ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता सिर्फ यही हो सकता है तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था कि आपको 1, 2, 3, 4 में से किसी एक का भी मतलब मालूम है तो इजीली आपका बाकी तीन का आपको नहीं भी मालूम तब भी आपका हो जाता क्योंकि बाकी के ऑटोमेटिकली ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे ठीक है चलो सो आंसर सी हो गया अब थोड़ा सा डोलड्रम्स क्या होता है टेन डिग्री नॉर्थ से टेन डिग्री साउथ लेटिट्यूड में आपको बेसिकली मिलते हैं विड इनकी की वेरी कर सकती है ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ से ट्वेंटी डिग्री साउथ के बीच में ये बेटा बेसिकली इसको जोन ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं जहां पर आपकी जो दोनों दोनों ट्रेडविंड होती है ना जो आपकी ट्रेड विंड होती हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ज करती है ना यहाँ पर जो दोनों हेमेस्फेयर की होती है ठीक है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही होती है इसको डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमली काम एयर होती है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग एयर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है जी और ये डोल्ड्रम की जो बेल्ट है ये सन की मूवमेंट के साथ चेंज होती रहती है उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स भी देख लो चिनूक जिनको स्नो ईटर्स भी बोला जाता है हॉट विंड होती है हॉट और ड्राई विंड होती है रॉकीज माउंटेन की जो स्नो होती है उसको मेल्ट करने के लिए काफी यूजफुल इसको कंसिडर किया जाता है फोहिन ये भी हॉट और ड्राई विंड है एल्प्स के अंदर चलती है खमसीन हॉट एंड ड्राई विंड है इजिप्ट के अंदर चलती है सिरोको हॉट है और मॉइस्ट विंड है जो सहारा से मेडिटेरेनियन सी को चलती है सोलानो ये भी हॉट और मॉइस्ट है सहारा से आइबेरियन पेनिनसुला की तरफ हरमेट जिसको ग्वेनिया डॉक्टर कहते हैं अभी हमने देखा ना क्वेश्चन के अंदर पूछा है डॉक्टर विंड तो ये क्या है हॉट और ड्राई विंड है वेस्ट अफ्रीका की बोरा कोल्ड है और ड्राई है ये हंगरी से नॉर्थ इटली को ब्लो करती है मिस्ट्रल कोल्ड विंड है ये एल्प्स माउंटेन और फ्रांस के अंदर आपको दिखेगी कोल्ड ड्राई विंड है ये एंडेज माउंटेन के वेस्टर्न साइड के ऊपर ब्लो करती है ब्लिजार्ड कोल्ड विंड है टुंड्रा रीजन के अंदर पुरगा कोल्ड विंड रशिया के अंदर लिवेंटर कोल्ड विंड स्पेन के अंदर नॉर्वेस्टर विंड न्यूजीलैंड का सेंटा एना विंड साउथ कैलिफोर्निया का ओके okay, उसके बाद काराबुरन या जिसको ब्लैक स्टॉम भी बोलते हैं ये बेसिकली गर्म हवा होती है और काफी डस्टी होती है सेंट्रल एशिया के अंदर ब्लो करती है कैलिमा ये भी डस्टी विंड होती है और ड्राई विंड होती है सहारन एयर लेयर्स अक्रॉस द कैनरी आइलैंड एलिफेंटा मॉइस्ट विंड इन मॉनसून मालाबार कोस्ट के अंदर आपको चलती हुई दिखेगी उसके बाद वेस्टर्लीज की बात कर लेते हैं वेस्टर्लीज जो होती है दे ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ठीक है जी एंड साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन रहती है सदर्न हेमोस्फेयर की जो वेस्टर्लीज होती है वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉगर होती है क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है वो कम है जो लैंड टू वाटर रेशियो है वो कम है सदर्न हेमोस्फेयर में आपका लैंड कम है और वाटर बॉडी ज्यादा है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में लैंड ज्यादा है वाटर बॉडी कम है एंड बिकॉज लैंड की हिंड्रेंस यहां पर नहीं आती है इसी वजह से वेस्टर्लीज जो है वो सदर्न हेमोस्फेयर में काफी स्ट्रॉन्ग ब्लो करती है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हमोस्फेयर ठीक है now the westerlies are best developed between 40 degree and 65 degree uh, south latitudes these latitudes are often called roaring 40s furious 50s and shrieking 60s because of the fast speed of the winds okay पोलवर्ड बाज हाईली फ्लक्चुएटिंग जो पोलवर्ड बाचुएट करती रहेंगी एंड ये जो विंड है दे ब्रिंग वेट स्पेल्स ओके जैसे इंडिया के अंदर भी आपकी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस आती हैं दैट आर बिकॉज ऑफ द वेस्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर राबी क्रॉप चलिए जी सो फॉर दिस लेक्चर गाइज दैट इज इट एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम कर सकते हो जो मर्जी करो ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय